हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ गुनाह पनि प्रेशर हॉर्न था कल बेवकूफन। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इम्तियाज रफीक, और आप देख रहे हैं टीम इनविक्टस। दोस्तों, लेके आया हूं मैं एक छोटी सी खबर कश्मीर से रिलेटेड, श्रीनगर से रिलेटेड। अभी कुछ टाइम पहले मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया, वो पूछे थे इम्तियाज भाई साहब खैरियत है कश्मीर में। मैंने कहा क्या हुआ, हमने सुना बाढ़ आ रही है, ये है वो है, कश्मीर के चैनल में बता रहे थे सुबह। तो कहीं ना कहीं मैं भी शॉक हो गया। मैंने कहा यार कहीं रात को ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, और इसके चलते कुछ न्यूज़ में बताया गया। तो मैं उठा और मैं आया हूँ अभी अपने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं पांडरठन में रहता हूँ। पांडरठन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और हमारी ये हमारे जहलम है, और हमारे घर के पीछे ये पहाड़ है। ये अल्लाह का फजल व करम है हम गरीबों पे कि हमारे घर में पहाड़ भी और दरिया जहलम भी है। तो मैं बस बाहर आया, मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूँ कि क्या सूरत हाल है दरिया जहलम के। तो इसलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए, ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। ये मेरा मोहल्ला है, यहाँ पर ये बंड की हालत देखिए, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। खुदा रब बलाए रबी किलू ला रहे हैं, खैर। और ये देखिए, ये रिवर जहलम है। वो जो आपको दिख रहा है ना, वो जो लकड़ी के हैं, नो डाउट कल परसों ये बिल्कुल खाली थे, बिल्कुल नीचे तक दिख रहे थे। और उधर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए ना भैया हौसला चाहिए, और मेरा इतना हौसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कितनी मिट्टी मिट्टी हो रही है, तो मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, ये बात हकीकत है, फ्लड का कोई अभी सिचुएशन ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यस पानी की जो लेवल है बड़ी है, और अच्छी खासी बड़ी है। क्योंकि एक दो दिन पहले ये बिल्कुल जहाँ ये जहाँ ज़मीन में है ना, वो तक दिख रहा था। तो पानी का लेवल नो डाउट बढ़ चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बाढ़ आने की यू नो बाढ़ आएगी या आने वाली है, ऐसा अभी कुछ भी इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। और हालांकि न्यूज़ में ये भी कहा है, सोर्सेज के मुताबिक ये भी है कि 20-21 तारीख तक बारिश बारिश होती रहेगी, आज भी बारिश होगी। और जो पहाड़ी एरिया है ऊपर, जो जैसे कल मैंने दिखा था अपर्वत में कल बर्फ़बारी हुई, या कल वहाँ पे भी बर्फ़बारी हुई थी अमरनाथ में, तो ऐसी ऊंची जगहों पे बर्फ़बारी हो सकती है। और श्रीनगर या बाकी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश होगी, और बारिश हो रही है इस टाइम। तो 20-21 तारीख तक बारिश के चांसेस हैं। बाकी ये सूरत हाल है, आप देख सकते हो, ये बंड है दरियाए जहलम ये है, और वो उस साइड को लसजन कहा जाता है, और ये पांडरठन है मेरा गांव। और हाँ, ये देखो ये मिट्टी मिट्टी हो गया हूँ मैं। और हाँ, माशाल्लाह, अच्छी बात जो मैं बोलना भूल गया, आप भाइयों का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मैंने सुबह चेक किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 और कुछ हुए हैं, 25,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं था, आपके सपोर्ट की वजह से ये काम हो रहा है। और हाँ, आज मैं जा रहा हूँ एक जगह, एक गांव है बहुत दूर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे हमको दो घर की जो चैरिटी है वो करने जा रहा हूँ, बस आप लोगों की वजह से। और हाँ, आगे से हमने ये भी डिसाइड किया, पहले तो हम फैमिली की डिटेल बताते नहीं थे, बस उनसे बात करवाते थे, लेकिन गलती से मैं उनके एरिया का नाम बताता था। आगे से हम जहाँ पे भी चैरिटी करेंगे उस एरिया का नाम भी नहीं बताएंगे, बस ये दिखाएंगे कि कहाँ किसको क्या मिला है, कहाँ पर किसको क्या हेल्प किया, वो दिखाएंगे। बाकी उनकी फैमिली की डिटेल या गांव की डिटेल नहीं दिखाएंगे। जनाब यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं यासिर भाई। ये यासिर साहब तुझे दुआ आसा यहाँ पूरी सुबह सुबह भंडस, तो आज खबर बना कि ये सुबह सुबह खबर आ रही थी कि बाढ़ आने वाली। आप बस ये बताओ कि आप रोज़ इस दरिया को देखते हो, आपको लगता है कि क्या वाटर लेवल बढ़ी है एक दो दिन में? हाँ, है ना, थोड़ी बहुत है ना, क्योंकि वो जब वो मेरे को नीचे वो दिखते थे हमें कुछ दिनों पहले, हाँ। वो दिखते थे बस उतने, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भैया बाढ़ आएगी। ये देखो ये भाई साहब जा रहे हैं। चलो शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन दी हमारे देखने वाले भाइयों को। तो मैंने जैसे कहा कि लेवल बड़ी है, बट इतना भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक है। बाकी 25,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से, और आप लोगों की वजह से ही आज फिर से हम जा रहे हैं दो घर में चैरिटी, जो हमने सामान लाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए, हमें हेल्प कीजिए, ताकि हम आगे भी गरीबों की मदद करते रहें।
और तो कुछ खास नहीं है, सामने एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, ये अथवाजन की मस्जिद है माशाल्लाह। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, एक वहाँ है और एक हमारे पांडरठन की भी मस्जिद है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी नई खबरें जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज जा रहा हूँ तो बीच बीच में अगर मौका मिला तो लाइव आऊँगा आपके साथ, दिखाऊँगा कि कहाँ जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं यार, अल्लाह सलामत रखे और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अदा करें। मैं दोस्तों निकलता हूँ, तैयारी करता हूँ, सामान वामान डब्बू में डालना, जो कि मैंने कल भी आपको दिखाया था। अगर आपका लाइव नहीं आए थे तो आपने देखा होगा, वीडियो है वहाँ पर, आप देख सकते हो क्या क्या सामान मैंने लाया है, जो हम आज इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं। बाकी हमसे कोई कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझे, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में या सॉरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई खबर, एक नए अपडेट के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल, बी सेफ एंड करें सबसे प्यार। मैं इम्तियाज रफीक टीम इन्विक्टस से साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय दोस्तों। अल्लाह।